होता है जिसमें हम शुरू के वर्षों में की गई कड़ी मेहनत को लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता की प्राप्ति से दूर को हुए देखते हैं। एक ऐसी यात्रा है जो शायद अस्थायी कदमों से शुरू होती है और ऊंचाइयों से ले जाती है। I believe that the mantra for success is hard best to utilize your wisdom, gain through the continuous process of learning. I believe that an institution is not built with bricks and cement, or with money. It is built with human energy, and more I can look around, more I can learn energy. दुनिया के ऐसे विश्वविद्यालय कभी मौजूद थे जहाँ विदेशों से लोग शोध करने आ रहे हैं। आज वही संस्कृति पुनः स्थापित हो रही है। विरासत में हमें क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वसीयत में हम क्या छोड़कर जाएंगे महत्वपूर्ण ये। और सुसंजीत जी से हमारे लिए जो मैंने पहले पिछले दिनों में बहुत करीबी से देखा है, किस तरह वो इतने बड़े संस्थान को जिसने अपने उत्तर प्रदेश को भी द्वारा दिया है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। कुछ पदचिन्ह बनाते हैं, कुछ पदचिन्हों पर चलते हैं। जिंदगी में एक तमन्ना जरूर रखना कि हमें पदचिन्ह बनाने हैं। पदचिन्हों पर चलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, और जिन शिक्षकों ने आपको ये शिक्षा दी है, विश्वास रखना कि आपका अपना सदा भाई को भी छोड़कर माँ बाप के बाद अगर कोई एक व्यक्तित्व एक व्यक्तित्व अगर दुनिया में है तो वह है शिक्षक, जो अपने से ज्यादा ऊंचा अपने छात्र को देखना चाहता है। उसका छात्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ये व्यक्तित्व अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके शिक्षक में है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, यह दीक्षांत समारोह है या शिक्षांत समारोह नहीं, आज आपकी जो औपचारिक दीक्षा है वह पूरी हुई, परंतु शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। अब समाज के जीवन में परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, देश हो, एक रिश्ता स्थायी और लगातार चलने वाला है। हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। जिस परिवार में, संस्था में, समाज में, देश में लोग लेते कम और देते ज्यादा है, वो परिवार, संस्था, समाज और देश आगे बढ़ता है। लेकिन जिस परिवार में, संस्था में, समाज में, देश में लोग लेते अधिक हैं और देते समय उनके मन में हिचकिचाहट होती है, वह परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, देश हो, सेगमेंट करता है और फिर डाइल्यूट कर जाता है। हमारे पूर्वजों ने अगर केवल अपने बारे में विचार किया होता, अपने परिवार के बारे में विचार किया होता, तो शायद आज हम यहाँ इस स्थिति में, इस रूप में नहीं बैठे होते। हम सब जानते हैं कि जब हमें अच्छी शिक्षा मिल जाती है, जब हमें अच्छे गुरु मिल जाते हैं, जब हमें अच्छा व्यवस्था, अच्छा सिस्टम, अच्छा पर्यावरण मिल जाता है कैंपस का, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता कि हम जितने भी स्टूडेंट साथी हैं सबके अंदर मेधा है, सबके अंदर बुद्धि है, सबके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। साथियों, मैं कह सकता हूं कि गलबतिया यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपका स्वर्णिम मुझे बताया गया कि 22 कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज यहां चल रहे हैं। मुझे पता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी साधारण ग्रेजुएट्स नहीं पढ़ाती। मुझे यह भी बताया गया यहां से निकल करके स्नातक की मार्कशीट या परास्नातक की मार्कशीट लेने के बाद आपको समाज में धक्के नहीं खाना पड़ेगा। बहुत ढेर सारे लोगों का कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से भी चयन हो चुका है, मुझे बताया गया है। इसलिए मैं साथियों आपसे एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी मन में आप ठान लो वही करना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो 22,000 स्टूडेंट्स हैं, वो तय करने उन्हें क्या करना है। सरकार उनके साथ है, ब्रजेश पाठक उनके साथ खुलेआम खड़ा रहेंगे। आप तो कहीं कोई दिक्कत होगी, आपको सुधार